हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बाल विकास सीडीपी शिक्षा शास्त्र का 30 क्वेश्चन का एक सेशन लगाएंगे जो कि सीटेट परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस कर रहे हैं जिससे आपको आगामी वीडियो मिलती रहेगी। तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। फर्स्ट ऑप्शन है यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। सेकंड है बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। थर्ड है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। फोर्थ है कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चे समान गति से आगे बढ़े। तो जैसे कि यहाँ पर समावेशी कक्षा की बात की जा रही है, जैसे यहाँ समावेशी कक्षा की बात करते हैं, यहाँ पर प्रत्येक बच्चे को सीखने के अवसर मिले, अपनी संभावना को प्राप्त करने के अवसर मिले, तो आंसर इज द करेक्ट होगा हमारा यहाँ पर थर्ड आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। थोड़ा टिक कर देती हैं इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको और मिलती रहेंगी। अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणा को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे। फर्स्ट अपने बच्चों को सूचनाएं लिखवाकर उन्हें याद करने को कहकर। सेकंड है यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हों तो उन्हें दंड देकर। थर्ड है तथ्यात्मक जानकारी देकर। फोर्थ है अवधारणा के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। जैसे क्वेश्चन बोला गया है कि कक्षा में बच्चों की या बच्चों को अपनी अवधारणा को बदलने पर आप किस प्रकार सहायता करेंगे। तो जैसे कि बच्चों की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है उनको अपनी अवधारणाओं के बारे में समझ को व्यक्त करने की बात करेंगे, उन्हें अवसर देंगे अपने विचार व्यक्त करने के अनुसार, तर्क वितर्क करने की प्रोत्साहन करेंगे, अवसर देंगे। तो आंसर इधर करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते रहते हैं। जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, यह रणनीति शायद अधिक समय तक न करे क्योंकि फर्स्ट में यह संभवतः है बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तक को पढ़ने की तरफ ले जा सकती है। सेकंड है पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होगी। थर्ड जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे। फोर्थ है पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालेगा। तो जब हम जैसे बात करते हैं यहाँ पर प्रमाण पत्र देने की, तो यहाँ पे जब प्रमाण पत्र जहाँ दिएंगे तो संभवतः है बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तक बच्चे पढ़ेंगे न कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो यह उसकी तरफ ले जाएगी। तो आंसर इधर करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका है। फर्स्ट ऑप्शन है समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम में बंधे रहना। सेकंड है सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। थर्ड है अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। फोर्थ है सीधे तरीके से ज्ञान पहुँचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना। तो एक बोला गया है क्वेश्चन में कक्षा की जो शिक्षिका में भूमिका होती है वो किस प्रकार से होगी। तो जैसे कि आप भी क्या है सीखने की विश्वसनीय स्थिति जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन प्रक्रिया की सुविधा देना। आंसर इज द करेक्ट होगा हमारा यहाँ पर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पे त्रुटियों में सबसे अच्छा ऑप्शन पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए। सेकंड है बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड देना चाहिए ताकि वे गलतियां ना दोहराएं। थर्ड है बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती। फोर्थ है बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बच्चे अगर सीखने में त्रुटियां कर रहे हैं तो बच्चे क्या है जब कोई चीज़ सीखते हैं तो गलतियां करेंगे, ये खिड़की के समान कार्य करती है और यह इससे जानने के लिए भी शिक्षक किस प्रकार से सीखते हैं बच्चे।
तो आंसर इज द करेक्ट होगा हमारा यहां पे फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहां पे, वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको आगामी मिलती रहेंगी। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि फर्स्ट अपने आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। सेकंड, आकलन की एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा। फोर्थ, थर्ड है, आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है। फोर्थ, बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सकें कि आपने सहपाठियों की तुलना में कहां पर हैं। तो जैसे कि आप ये बात की रही है आकलन शिक्षण अधिगम, आकलन शिक्षण अधिगम की बात की जा रही है यहाँ पे, तो प्रक्रिया अभिन्न अंग है। जैसे कि हम आकलन शिक्षण अधिगम अभिन्न प्रक्रम की बात करेंगे तो क्यों है, जैसे कि हम बात करते हैं कि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि होती है। कैसे, कि उन्होंने किस प्रकार से बच्चे सीख रहे हैं और कितना सीखे हैं। अगर नहीं सीख रहे हैं तो अपनी शिक्षा विधियों में थोड़ा सा परिवर्तन करने की जरूरत है या उनके अकॉर्डिंग कक्षा में शिक्षा विधियों का प्रयोग करने की आवश्यकता है। तो आंसर इज करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते रहें साथ साथ में। पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाजें पाने कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने और अपने अनुभवों को बांटने और विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय रूप पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ 13, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षिका की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा, बड़ा करेंगे इसे। बच्चों को उनकी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के अवसर प्राप्त करना। सेकंड है, बच्चों के अनुभवों को नष्ट कर पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना। थर्ड है, पाठ्य पुस्तक के अध्याय को क्रमवार पूरा कराना। फोर्थ है, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। जैसे कि आप ये एनसीईआरटी की बात की जा रही है, अब एनसीईआरटी की हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी जो कहता है कि जो उनका जो पाठ्यक्रम हो, जो करिकुलम हो, उनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए और जो पाठ्यपुस्तक जो होनी चाहिए उनके ज्ञान को प्रस्तुत करना चाहिए और जिज्ञासा को पोषण करे और उनके अनुभवों को बांटे और विद्यालय में जोड़ने सीखने सक्षम हों। इस प्रकार की एनसीईआरटी बात करती है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर इज करेक्ट होगा हमारा यहाँ पर फर्स्ट वाला, बच्चे को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। तो आंसर इज द करेक्ट हमारा है फर्स्ट। जैसे कि अवसर आपने देखा तो यहाँ पे ये भी हमारा कीवर्ड है, काम करता है। जब भी आपको अवसर इस प्रकार का दिखाई दे तो आंसर हमारा उसी सेंटेंस में छुपा हुआ होता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते रहें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को की आवश्यकता होती है। फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चों के नियंत्रण में रखने। सेकंड है, अन्य बच्चों के साथ तुलना करने। थर्ड है, बच्चों को प्रेरित करने। फोर्थ है, बच्चों को डांटने। तो जब बात करते हैं बच्चों को अध्ययन प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने की, जब बात की जाए तो शिक्षक की जो आवश्यकता होगी वो क्या होगी, क्वेश्चन में ये पूछा रहा है। जैसे कि जब बात करेंगे बच्चों को प्रेरित करने के लिए आवश्यकता होगी, बच्चे जब प्रेरित होंगे तो अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आंसर इज करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको वीडियो मिलती रहेगी। भावनाओं अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन में से आप सहमत हैं। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है भावना अधिगम अभिप्रेरणा की जो संदर्भ है, कौन से कथन से आप सहमत हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, सीखने के लिए भावना को अलग रख देना चाहिए। सेकेंड है, प्रेरणा और सीखने के साथ भावना घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। थर्ड है, सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावना की कोई भूमिका नहीं होती। फोर्थ है, कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि इसमें हम कितने निपुण हैं। तो जैसे कि भावना अधिगम अभिप्रेरणा के संदर्भ में कौन सा कथन इज करेक्ट होगा, क्वेश्चन पूछा रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर प्रेरणा और सीखने के साथ भावना घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं, संबंधित होती हैं। तो आंसर इज करेक्ट होगा हमारा यहाँ पे सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों बच्चों की
की योग्यता का आकलन करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर का निर्माण करने, सेकंड है सही उत्तर की व्याख्या करने, थर्ड है सही उत्तर की पहचान करने, फोर्थ है सही उत्तर का प्रतिस्मरण करने। तो बहुविकल्पी या ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन की बात की जाती है तो यहाँ पर जब बहुविकल्पी क्वेश्चन को आपको पता होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ उसके चार आंसर दिए गए जैसे इस प्रकार से दिए गए उसमें हमें करेक्ट आंसर छांटना होता है। जैसे कि हम बात करते हैं आंसर इज करेक्ट होगा हमारा यहाँ पर थर्ड सही उत्तर की पहचान करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया सीटेट में से बहुत होता है तो आंसर उसी के अकॉर्डिंग देना हुआ नेगेटिव में। फर्स्ट ऑप्शन है मूल्य और विश्वासों का अर्जन, सेकंड है आनुवंशिक संचरण, थर्ड है एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, फोर्थ है कौशलों का अर्जन। तो यहाँ पे नेगेटिव में आंसर देना में सामाजिकरण की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया आनुवंशिक संचरण यहाँ पे इज द करेक्ट आंसर होगा हमारे यहाँ पे सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है इसके लिए प्याजे ने किस शब्द पद का उपयोग किया है। फर्स्ट ऑप्शन जिन, सेकंड है परिपक्वन प्रखंड, थर्ड है स्कीमा अवधारणा, फोर्थ है विकास के क्षेत्र। जैसे कि मानसिक सक्रिया की जो बात संचरण जहाँ की बात करें तो चिंतन निर्माण प्रखंड जो है प्याजे के अकॉर्डिंग तो जहाँ पे जैसे बात करती है आंसर देखा होगा परिपक्वन प्रखंड आंसर तो करेक्ट हमारा यहाँ पे सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें जिससे वीडियो मिलती रहेंगी आपको। थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा हो धुला है थोड़ा बड़ा करेंगे इसे भी। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, सेकेंड है बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, थर्ड है बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, फोर्थ है बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो बच्चे जो बोलते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार वो किस प्रकार से है क्वेश्चन बोला जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं जो बच्चे बोलते हैं वो अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं जो आपस में या अपने अकॉर्डिंग बोलते रहते हैं। आंसर इज करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं अधिगम सशक्त वाले फर्स्ट अपने बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, सेकंड है बच्चे दृश्य शब्दों साइट वर्ड्स को आसानी से पहचानते हैं और समझते हैं, थर्ड है बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है, फोर्थ है बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। तो यहाँ पे अधिगम सशक्त वाले बच्चों की बात की जा रही है। सशक्त होता मतलब सीखने में कमजोर बच्चे। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है क्योंकि यहाँ पे अक्षर क्या है वो पढ़ देखते कुछ हैं और पढ़ते कुछ हैं तो वो समान प्रकार के दिखते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं यहाँ पे एक वॉज लिख जा रहा है तो उसको अकॉर्डिंग दूसरे प्रकार से पढ़ते हैं या किसी और चीज़ से आंसर इस करते हैं। तो आंसर इज करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे सृजनात्मकता क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं, सेकंड बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हैं करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है, थर्ड है समस्याओं के मौलिक और अपसारी संसाधनों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता, फोर्थ है सृजनात्मक 200 से ऊपर की बुद्धि लब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होती है। तो यहाँ पे सृजनात्मक की बात की जा रही है क्रिएटिव बच्चे हैं उनकी बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आंसर करेक्ट होना चाहिए हमारा कि समस्याओं के मौलिक और अपसारी चिंतनों को या साधनों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता वाले सृजनात्मक बच्चे कहलाते। तो आंसर इज करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं, आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए। तो जैसे कि देखेंगे आप भी फर्स्ट ऑफ ऑल शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चे के घरेलू जीवन से जोड़ता है, सेकेंड है शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे बच्चे
अपने गृह कार्य पूरा करने के लिए बहुत जल्दी उठें और देर तक रुकें। थर्ड है, बच्चों के माता पिता से उनके गृह कार्य को पूरा करने के लिए ट्यूशन लगवाने के लिए कहिए। फोर्थ है, उसे उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए जो अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विशेषकर लड़कियाँ विद्यालय आने से पहले या विद्यालय जाने के बाद में वो अपना घर का कार्य करती हैं या काम करती हैं घर में आके, तो इस प्रकार से जो गृह कार्य देना चाहिए वो किस प्रकार से होना चाहिए, ये क्वेश्चन बोला जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं, शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता हो या है। तो आंसर इधर करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ में, शेयर करते हैं साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको वीडियो मिलती रहेगी। एक प्रभावी कक्षा में फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। सेकंड है, बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्याश्रमण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। थर्ड है, बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौलिक और शारीरिक दंड का उपयोग करता है। फोर्थ है, बच्चे शिक्षक का सम्मान करते हैं और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं। यहाँ पे प्रभावी कक्षा की बात हो रही है, तो जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेंगे या लेते हैं। तो आंसर इज द करेक्ट होगा हमारा यहाँ पे फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं हाथ में। ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना फर्स्ट अपने अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। सेकंड है, शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। थर्ड है, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। फोर्थ, शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हो जाएगा, ज्ञान को एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा, जो असंबद्ध ज्ञान होगा उसे जुड़ने की प्रस्तुत नहीं करेगा। तो आंसर इधर करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करते हैं हाथ हाथ में। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन है, क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया है? सेकंड है, भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव। थर्ड है, प्रकृति और पोषण पर बहस। फोर्थ है, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। जैसे यह क्वेश्चन बोला जा रहा है कि क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उन्हें आनुवंशिक पूर्व प्रवृत्ति होती है और माता पिता प्रारंभिक अवस्था में उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, तो इनके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारा प्रकृति और पोषण पर बहस, क्योंकि जिस समाज में बच्चे रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी भाषा सीखते रहते हैं। तो आंसर इधर करेक्ट होगा हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं हाथ में। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? फर्स्ट ऑप्शन है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सेकंड है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। थर्ड है, संवेदी गतिक अवस्था। फोर्थ है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर बात की जा रही क्वेश्चन में मूर्त वैज्ञानिक चिंतन क्षमता का विकास करने की बात की, तो वो कौन सी अवस्था है? तो जैसे कि आप बात करेंगे तो वो हमारी औपचारिक संक्रिया की अवस्था होगी, क्योंकि हम यहाँ पे औपचारिक संक्रिया अवस्था में मूर्त और अमूर्त चीजों को समझने में सक्षम हो जाता है बच्चा। तो आंसर इधर करेक्ट होगा हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं हाथ में। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कॉलवर की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? फर्स्ट ऑप्शन है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण। सेकंड है, सामाजिक अनुबंधन अभिमुखीकरण। थर्ड है, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। फोर्थ है, दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप मेरे लिए करें मैं आपके लिए करूंगा, तो नैतिक जो कॉलवर का नैतिक तर्कणा का सिद्धांत है वो किसके अंतर्गत आता है?
तो इसके अकॉर्डिंग अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण के अकॉर्डिंग आएगा। तो आंसर इज करेक्ट हो गया हमारा पे फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, प्रगतिवादी शिक्षा फर्स्ट ऑप्शन है अनुबंधन और पुनर्वर्ण के सिद्धांतों पर आधारित है, सेकंड है पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है क्योंकि वे ज्ञान की एकमात्र वैध स्रोत है, थर्ड है इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना है और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता है, सेकंड है समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। तो यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा की जब बात की जा रही है, प्रगतिशील शिक्षा की हम बात करते हैं तो ये हमारी समस्या समाधान और आलोचना चिंतन के विकास पर अधिक बल देती है जिससे बालक का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर इज द करेक्ट होगा हमारा यहाँ पे फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न को बढ़ावा देते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को मानवीकृत आकलन, सेकंड है विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन, थर्ड है अभिसारी चिंतन, फोर्थ है जानकारी का पुनः स्मरण। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि विभिन्न मुद्दों विचार विमर्श करने के प्रस्तुत कारण बच्चे जो है व्यक्तिगत जो राय देंगे अपनी तो प्रोत्साहित करने के लिए आंसर इधर करेक्ट होना चाहिए हमारा, जैसे कि इसके अकॉर्डिंग आंसर हो गया हमारा विश्लेषणात्मक और चिंतनात्मक कौशल, आंसर इधर करेक्ट होगा हमारा यहाँ पे सेकंड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको वीडियो मिलती रहेगी, यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है, फर्स्ट ऑप्शन है विकास अधिगम से स्वतंत्र है, सेकंड है अधिगम विकास के पीछे रहता है, थर्ड है अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द हैं, फोर्थ है अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंदर संबंध है। तो जैसे कि अभी बात करती हैं, क्वेश्चन पूछा गया कौन सा कथन है जो विकास और अधिगम को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ रहा है, तो जैसे कि अभी देखा जाए विकास और अधिगम, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है प्रक्रिया है, तो आंसर इधर करेक्ट होगा हमारा यहां पर फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है, जैसे क्वेश्चन बोला गया कि अभी विकास का सिद्धांत नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन है विकास संशोधनीय योग्य होता है, सेकंड है विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, थर्ड है विकास जीवन पर्यंत होता है, फोर्थ है विकास वंशानुक्रम और वातावरण या पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो यहाँ पे एक आंसर ही हमें देना है नेगेटिव में, तो सी डेटा से बहुत होता है तो आंसर नेगेटिव पूछता है तो आंसर क्या हम पॉजिटिव में करते हैं, मगर हमें आंसर क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देना है, तो आंसर इज द करेक्ट होगा हमारे यहाँ पर सेकेंड, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, जो कि आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला है बाल केंद्र कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें फर्स्ट ऑप्शन शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों का मानक मानदंडों पर आकलन करना है, सेकेंड है शिक्षक के मार्गदर्शन से विद्यार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है, थर्ड है शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है, फोर्थ है शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उसका पालन करते हैं तो उन्हें पुरस्कार या उपयुक्त पुरस्कार देता है। तो जैसे कि अभी बात की जा रही है यहाँ पे बाल केंद्रित कक्षा की बात की जा रही है तो प्रमुख विशेषता के बारे में पूछा जा रहा है तो क्या है वो, जैसे कि अभी बात करते हैं कि शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाना सबसे प्रमुख विशेषता है, तो आंसर इधर करेक्ट होगा यहाँ पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर कर दोस्तों के साथ में शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको और वीडियो मिलती रहेंगी। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, फर्स्ट ऑप्शन बुद्धि को केवल
मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। सेकंड है, बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है। उदाहरणार्थ प्रक्रमण की गति, संवेदनशील भेद आदि। थर्ड है, बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। फोर्थ है, बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित है। तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया बुद्धि के बारे में सबसे उपयुक्त है, थोड़ा सा नीचे हो गया, कोई नहीं, सबसे उपयुक्त पूछा गया है बुद्धि के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं, बुद्धि क्या है, एक बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित होती हैं। बुद्धि कई प्रकार से होती है और बुद्धि का आप जो प्रयोग करते हैं वो कई प्रकार से कर सकते हैं। तो आंसर इधर करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिंग जेंडर पक्षपात की ओर संकेत करता है। फर्स्ट है, अनुवांशिक भिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद है। सेकंड, स्त्रीयोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध। थर्ड, अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति। फोर्थ, सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। तो यहाँ पे जेंडर के बारे में पूछा जा रहा है, पक्षपात के बारे में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि हम जेंडर की बात करते हैं, तो यहाँ पर सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों में भिन्नता व्यवहार करना। जैसे कि लड़के ये कार्य कर सकते हैं, लड़कियां वो कार्य नहीं कर सकती हैं। इस प्रकार से क्या है आंसर इधर करेक्ट होगा और हमें यहाँ पे फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किए जाने की संभावना सर्वाधिक है। फर्स्ट ऑप्शन है, कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। सेकंड है, उन्हें याद करने के लिए और उत्तर को जांच बार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए गृह कार्य देंगे। थर्ड है, बच्चों से कहेंगे कि उनमें आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है और अब उन्हें अपने माता पिता के काम में सहायता करनी चाहिए। फोर्थ है, माता पिता को बुलाएंगे और उनसे अपने बच्चों का ट्यूशन लगाने को निम्रता से कहेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे उच्च प्राथमिक विद्यालयों की बात की जा रही, तो शिक्षक के रूप में आपके पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं और उन्हें जो सिखाने का सर्वे किस प्रकार से लेंगे। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि कक्षा गतिविधि के समय गृहकार देंगे और उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता से उपलब्ध कराएंगे। तो आंसर इज द करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं हाथ में। समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चों के आकलन के लिए नियमित मानक स्थापित करना। सेकंड है, सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानवीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करें। थर्ड है, सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार हो। फोर्थ है, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता के अनुसार विकास के अवसर मिले। जैसे कि आप समान आयु के बच्चे हैं और जो उनकी आकृति, योग्यता, स्वभाव और रुचि प्रवृत्ति में अन्य बातों से में उनमें अंतर है, तो आप जो विद्यालय होगा आप उसमें क्या भूमिका निभाएंगे शिक्षक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें सीखने की अवसर मिले, विकास के अवसर मिले और प्रत्येक को समान अवसर मिलेंगे, तो यहाँ पे बच्चे को उसका विकास सही से हो पाएगा। तो आंसर इज द करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे फोर्थ। तो सेशन दोस्तों यहाँ पे यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।